संजीव कुमार हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। उनका पूरा नाम हरिभाई जरीवाला था। वे मूल रूप से गुजराती थे। इस महान कलाकार का नाम फिल्म जगत की आकाश गंगा में एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह याद किया जाता है, जिनके बेमिसाल अभिनय से सुसज्जित फिल्मों की रोशनी से बॉलीवुड हमेशा जगमगाता रहेगा। उन्होंने नया दिन नई रात फिल्म में 9 रोल किए थे। कोशिश फिल्म में उन्होंने गूंगे बहरे व्यक्ति का शानदार अभिनय किया था। शोले फिल्म में ठाकुर का चरित्र उनके अभिनय से अमर हो गया। संजीव कुमार का जन्म सूरत में 9 जुलाई 1938 को जेठालाल जरीवाला के मध्यम वर्गीय गुजराती वैश्य बनिया परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम हरिहर जरीवाला था, लेकिन प्यार से सभी लोग उन्हें हरिभाई जरीवाला ही कहते थे। यद्यपि उनका पैतृक निवास सूरत में था, परंतु फिल्म जगत की चाह उन्हें माया नगरी मुंबई खींच लाई। फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखने वाले हरिभाई भारतीय फिल्म उद्योग में आकर संजीव कुमार हो गए। अपने जीवन के शुरुआती दौर में पहले वे रंगमंच से जुड़े, परंतु बाद में उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान 1960 में उन्हें फिल्मालय बैनर की फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक के बाद एक फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से वे एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बने। 20 वर्ष की आयु में गरीब मध्यम वर्ग के इस युवा ने कभी भी छोटी भूमिकाओं से कोई परहेज नहीं किया। संघर्ष फिल्म में दिलीप कुमार की बाहों में दम तोड़ने का दृश्य इतना शानदार किया कि खुद दिलीप कुमार भी सकते में आ गए। स्टार कलाकार हो जाने के बावजूद भी उन्होंने कभी नखरे नहीं दिखाए। उन्होंने जया बच्चन के ससुर, प्रेमी, पिता और पति की भूमिकाएं भी निभाई। जब लेखक सलीम खान ने इनसे त्रिशूल में अपने समकालीन अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता की भूमिका निभाने का आग्रह किया, तो उन्होंने बेझिझक यह भूमिका स्वीकार कर ली और इतने शानदार ढंग से निभाई कि उन्हें ही केंद्रीय कैरेक्टर मान लिया गया। हरिभाई ने 20 साल की आयु में एक वृद्ध आदमी का ऐसा जीवंत अभिनय किया था कि उसे देखकर पृथ्वीराज कपूर भी दंग रह गए थे। संजीव कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में हम हिंदुस्तानी फिल्म के मात्र 2 मिनट के छोटे से भूमिका से की थी। वर्ष 1962 में राजश्री प्रोडक्शन की आरती के लिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया, जिसमें वे पास नहीं हो पाए थे। इसके बाद उन्हें कई बी ग्रेड फिल्में मिली। इन महत्वहीन फिल्मों के बावजूद अपने अभिनय के जरिए उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। सर्वप्रथम मुख्य अभिनेता के रूप में संजीव कुमार को वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1960 से वर्ष 1968 तक संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वे उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने स्मगलर, पति पत्नी, हुस्न और इश्क, बादल, नौनिहाल और गुनहगार जैसी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में वे पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। यह फिल्म पूरी तरह अभिनेता धर्मेंद्र पर केंद्रित थी। फिर भी संजीव कुमार धर्मेंद्र जैसे अभिनेता की उपस्थिति में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म खिलौना ने इन्हें स्टार का दर्जा दिलाया। इसके बाद इनकी हिट फिल्म सीता और गीता और मंचली प्रदर्शित हुई। 70 के दशक में उन्होंने गुलजार जैसे दिग्दर्शक के साथ काम किया। उन्होंने गुलजार के साथ कुल 9 फिल्में की, जिनमें आंधी, मौसम, अंगूर, नमकीन मुख्य हैं। इनके कुछ प्रशंसक इन फिल्मों को इनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से मानते हैं। फिल्म शोले में उनके द्वारा अभिनीत पात्र ठाकुर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जो मिमिक्री कलाकारों के लिए एक मसाला है। संजीव कुमार के दौर में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार जैसे अभिनेता छाए हुए थे। फिर भी अपने सशक्त अभिनय से उन सबके बीच काम करते हुए उन्होंने फिल्म जगत में अपना स्थान बनाया। जैसे हर स्टार की कोई ना कोई कंट्रोवर्सी और लव लाइफ होती है, उसी तरह संजीव कुमार की भी कंट्रोवर्सीज और लव लाइफ रही है। आइए आप जानते हैं
उन सभी के बारे में। संजीव कुमार पर एक किताब लिखी गई है, संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड। इस किताब में संजीव की लव स्टोरी के बारे में भी जिक्र है, खासकर नूतन के साथ उनकी कंट्रोवर्शियल लव लाइफ। नूतन और संजीव की मुलाकात पहली बार फिल्म गौरी के सेट पर हुई थी। बायोग्राफी के मुताबिक नूतन की खूबसूरती देख संजीव को पहली नजर में उनसे इश्क हो गया था। उस वक्त नूतन पहले से ही नेवी ऑफिसर रजनीश बहल के साथ शादी कर चुकी थी। हालांकि गौरी के बाद से ही उनका नाम संजीव कुमार से जोड़ा जा रहा था। गौरी के बाद दोनों ने देवी में भी साथ काम किया। उस वक्त फिल्मी गलियारों में खबरें तेज थी कि संजीव और नूतन प्यार में हैं। नूतन और संजीव का रिश्ता जब अखबारों की सुर्खियां बनने लगा, तब इसका असर अदाकारा की शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा। संजीव की बायोग्राफी में कहा गया कि पति के कहने पर नूतन ने देवी के सेट पर संजीव कुमार को जोरदार थप्पड़ मार दिया था ताकि इन अफवाहों का अंत हो जाए, यही बुक में लिखा है। स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में नूतन ने आरोप लगाया था कि संजीव ने उनके अफेयर की अफवाहें फैलाई थी। एक्ट्रेस ने दावा किया था कि उन्हें एक करीबी सहयोगी से पता चला था कि संजीव कुमार ने उनके साथ अफेयर की खबर फैलाई थी और ये भी कहा था कि वे उनके साथ शादी करने के प्लानिंग कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि संजीव तो नूतन के बेटे मोहनीश बहल की कस्टडी के बारे में भी सोच रहे थे। नूतन के बाद संजीव कुमार को फिर से प्यार मिला। रमेश सिप्पी की निर्देशित फिल्म सीता और गीता में हेमा मालिनी का डबल रोल था। हेमा के साथ लीड रोल में धर्मेंद्र और संजीव कुमार भी थे। संजीव को फिर से प्यार हुआ और इस बार ये अदाकारा थी हेमा मालिनी। संजीव ने हेमा को प्रपोज भी किया था लेकिन ड्रीम गर्ल ने उनके प्यार को ठुकरा दिया था। हेमा ने संजीव का दो दो बार प्रपोजल को ठुकराया था। उस वक्त वे जितेंद्र को पसंद करती थी और बाद में उन्होंने धर्मेंद्र से शादी कर ली थी। संजीव कुमार का दो बार दिल टूट चुका था, ऐसे में शायद संजीव तीसरी बार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन उनके चलते एक अभिनेत्री ने जिंदगी भर शादी नहीं की। साल 1975 की बात है। फिल्म उलझन से एक सिंगर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उनका नाम था सुलक्षणा पंडित। शूटिंग के दौरान सुलक्षणा संजीव पर फिदा हो गई थी और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। संजीव को हेमा से प्यार था और सुलक्षणा को संजीव से। जब हेमा ने संजीव को ठुकराया तो सुलक्षणा को लगा कि संजीव उन्हें अपना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न संजीव ने सुलक्षणा के प्यार को समझा और न उनकी शादी के प्रपोजल को स्वीकार किया। इसका नतीजा ये निकला कि सुलक्षणा ने जिंदगी भर शादी ही नहीं की, वे ताउम्र कुमारी रही। जब साल 1965 में संजीव का हार्ट अटैक से निधन हो गया तो इस खबर ने सुलक्षणा को झकझोर कर रख दिया था। संजीव कुमार ने विवाह नहीं किया परंतु प्रेम कई बार किया था। उन्हें यह अंधविश्वास था कि उनके परिवार में बड़े पुत्र के 10 वर्ष का होने पर पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके दादा, पिता और भाई सभी के साथ यह हो चुका था। संजीव कुमार ने अपने दिवंगत भाई के बेटे को गोद लिया और उसके 10 वर्ष का होने पर उनकी मृत्यु भी हो गई। संजीव कुमार लजीज भोजन के बहुत ही शौकीन थे। कैसा लगा आपको संजीव कुमार की जिंदगी के बारे में और उनकी जिंदगी के कुछ अंश पहलुओं के बारे में जानकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने चहेते कलाकारों के बारे में ऐसे ही अनकही अनसुनी और रोचक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए फिल्मी तराना चैनल के साथ। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।